दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी फेवरेट जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत प्रीटी है, जो बहुत गुड लुकिंग है। हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट दिव्यंका के बारे में। हाँ दोस्तों, आपकी दिव्यंका और विवेक भैया ने बनाया है एक नया घर, जो आप सब लोगों को पता है कि आपकी फेवरेट दिव्यंका और विवेक ने अपने अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, उनके सूटेबलनेस के हिसाब से उनका घर बनाया है। उन्होंने, दिव्यंका ने एक नया घर लिया है दोस्तों, और उसमें सारी चीज़ें अपने हिसाब से इंटीरियर करवाई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट दिव्यंका ने अपना घर अपने हिसाब से सजवाया है दोस्तों, पर क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपकी दिव्यंका जो इस बार उनके घर पर लाई थी गणपति। हाँ दोस्तों, आपकी दिव्यंका ने इस बार खुद के घर पर गणेश उत्सव भी मनाया था दोस्तों, क्योंकि जब दिव्यंका ने लिया है नया घर और दिव्यंका ने लिया है दोस्तों नया घर, अब दिव्यंका उसे बहुत अच्छी तरह से उस घर को हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती है दोस्तों। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपकी दिव्या दोस्तों, तो आपकी फेवरेट दिव्यंका ने लिया है एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, जिसमें हर किसी के लिए अपने अपने कमरे हैं, चाहे वो एक रूम है जो बहुत स्पेशल है दोस्तों, वो दिव्यंका और विवेक का रूम है दोस्तों, जिसमें मास्टर बेडरूम कहते हैं दोस्तों, जो बहुत लग्जीरियस है दोस्तों। वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल एक बहुत अच्छा बेड लगाया है दोस्तों दिव्यंका ने और विवेक ने खुद के हिसाब से। उसमें बहुत 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 स्टाइलिश अलग अलग तरह के काउचेस लगाए हैं दोस्तों, और कंफर्टेबल बेड है दोस्तों, और एक बहुत बड़ी 75 इंच स्क्रीन टीवी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और भी दिव्यंका के घर में और भी रूम है, जिसमें से एक रूम गेस्ट रूम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक रूम गेस्ट रूम है, उसका पूरा घर का इंटीरियर दोस्तों दिव्यंका ने खुद के हिसाब से किया है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज लगाई हैं दोस्तों दिव्यंका ने खुद के घर में। एक लगाया है दोस्तों डेविल आई भी, जिससे उनके घर में कोई डेविल आई उनके घर को नजर नहीं लगा सके दोस्तों। उसके अलावा उस पूरे घर का इंटीरियर दोस्तों दिव्यंका और विवेक ने खुद का इसका आपको क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताइए कि आपकी दिव्यंका को बुक पढ़ने का कितना शौक है दोस्तों। तो दिव्यंका ने एक बुक शेल्फ बनाई है दोस्तों, जिसमें दिव्यंका ने अपनी अपनी फेवरेट किताबें रखी हैं दोस्तों, जिसे पढ़कर दिव्यंका काफ़ी खुश रहती है, अच्छा फील महसूस करती हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, और एक अलमारी दिव्यंका और विवेक दोनों ने मिलकर ऐसी अलमारी बताई है दोस्तों, ऐसी अलमारी इंटीरियर करवाई है दोस्तों, जिसमें उन दोनों की सारी अपॉर्चुनिटीज़ का जो उन्हें फल मिलता है दोस्तों, यानी कि जो उन्हें अवार्ड मिलते हैं दोस्तों, एक शेल्फ उन्होंने ऐसे लगवाई है दोस्तों, जिसमें वो अपने सारे अवार्ड जो भी आज तक दिव्यंका को मिले हैं, विवेक को मिले हैं, वो सारे अवार्ड प्लेस करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, उस शेल्फ में वो अपने सारे अवार्ड रखेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आपके दिव्यंका ने लिया है एक बहुत बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट दोस्तों, जिसमें बहुत लग्जीरियस अपार्टमेंट है दोस्तों, और उसमें हर लग्जरी की हर तरह की सुविधा मौजूद है दोस्तों। उस अपार्टमेंट को इंटीरियर खुद विवेक ने, खुद दिव्यंका ने अपने तरीके से किया है दोस्तों। जब हमारी दिव्यंका से बात हुई तो उन्होंने कहा, हम सारे इंटीरियर खुद के हिसाब से कर रहे हैं, हम बता देते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि आपकी फेवरेट दिव्यंका ने लिया है नया घर, और उसमें लाई है आपकी फेवरेट दिव्यंका गणपति। हाँ दोस्तों।
लाए है दोस्तों आपकी फेवरेट दिव्यंका गणपति। हाँ दोस्तों, जो लग्जरियस अपार्टमेंट उन्होंने खरीदा है, जो बहुत लग्जरियस है, जिसकी एक एक इंटीरियर डिज़ाइन खुद दिव्यंका और विवेक ने करा है। दोस्तों जब आप लोग मेहनत से घर बनाते हो तो आप उसे खुद अच्छी तरह सजाना चाहते हो, वैसा ही आपकी फेवरेट दिव्यंका ने किया है, वैसा ही विवेक ने किया है। हाँ दोस्तों, पर अब आप लोगों को मैं आपकी फेवरेट दिव्यंका ने लिया है दोस्तों एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट, और इस बार पहली बार आपकी फेवरेट दिव्यंका अपने हस्बैंड विवेक के साथ लाई है उनके घर में गणपति। हाँ दोस्तों, पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार फैल रहा है कोरोना और पंडित भी आप लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से आप लोगों को पंडित भी अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, पर दिव्यंका इस बार लाई थी खुद के घर में गणपति और उन्हें करनी थी उनकी स्थापना, उनकी पूजा, और दिव्यंका को नहीं मिला कोई भी आसानी से पंडित। तो इस प्रोड्यूसर ने की दिव्यंका की पूजा कराने में हेल्प। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मुंबई में गणपति का अलग ही क्रेज है, न जाने कितने लोग सालों करोड़ों से लाते रहते हैं खुद के घर में गणपति, पर दिव्यंका इस बार पहली बार उनके नए घर में अपने हस्बैंड विवेक के साथ लाई थी गणपति और उन्हें पूजा के लिए नहीं मिला कोई भी पंडित। हाँ दोस्तों, तो दिव्यंका को पूजा के लिए नहीं मिला कोई भी पंडित, तो दिव्यंका ने ली अपने एक प्रोड्यूसर फ्रेंड की है और इस प्रोड्यूसर ने कराए दिव्यंका के घर में पूजा। ये प्रोड्यूसर बन गया दिव्यंका के लिए उनके घर का पंडित। हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे दिव्यंका के लिए कौन बन गया पंडित, दिव्यंका के लिए कौन सा प्रोड्यूसर बन गया है, पंडित किसने घराई दिव्यंका के घर में पूजा, कहीं वो एकता कपूर तो नहीं या और भी कोई बड़ा प्रोड्यूसर तो नहीं। पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, दिव्यंका के बहुत स्पेशल फ्रेंड और विवेक के भी बहुत स्पेशल फ्रेंड। हाँ दोस्तों, दिव्यंका और विवेक के बहुत स्पेशल फ्रेंड है ये प्रोड्यूसर, जिनका नाम है सालों से दिव्यंका और विवेक से दोस्ती चली आ रही है दोस्तों, जिनका नाम है संदीप सिकंद। हाँ दोस्तों, संदीप सिकंद अपने घर में जाने कितने सालों से गणेश लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उन्हें हर विधि विधान से पूजा आती है दोस्तों। और जब दिव्यंका पहली बार अपने घर पे गणपति लाई, उनके घर पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इसकी स्थापना करे, कैसे पूजा करे, कैसे विधि विधान से उसे स्थापित करे, तो उसमें हेल्प की उनके प्रोड्यूसर फ्रेंड ने। दिव्यंका और विवेक के प्रोड्यूसर फ्रेंड संदीप सिकंद उनके घर पर आए, उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना कैसे करनी है, कैसे इसकी पूजा अर्चना करनी है। हाँ दोस्तों, तो दिव्यंका के घर पर आए गणेश तो उनकी पूजा स्थापना और विधि विधान का बताने के लिए, जब दिव्यंका को नहीं मिला कोई पंडित तो उनकी हेल्प की उनके इस प्रोड्यूसर फ्रेंड ने। हाँ दोस्तों, तो दिव्यंका के घर नए घर में जो बहुत लेविशली अपार्टमेंट है दोस्तों, जिसमें दिव्यंका और विवेक बहुत ही खुशियों से, जब इन्होंने नया घर बनाया है उसमें बहुत खुशियों से पहली बार उन्होंने की है दोस्तों गणेश की स्थापना, तो उसमें दिव्यंका को पर इस पेंडेमिक की वजह से, इस कोरोना की वजह से कोई पंडित नहीं मिला, तो उसमें उनकी हेल्प की उनके प्रोड्यूसर फ्रेंड ने। दिव्यंका और विवेक के प्रोड्यूसर फ्रेंड संदीप सिकंद उनके घर में पंडित बनकर आए दोस्तों, उन्होंने ही उनके घर में स्थापित करवाई गणेश की मूर्ति और पूजा अर्चना की सारी विधि बताई दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो जैसे ही मुझे ये खबर पता पड़ी कि आपकी फेवरेट दिव्यंका ने अपने नए घर में रखे हैं गणपति और उसकी पूजा करी है उन्हें बहुत ही स्पेशल तरीके से, क्योंकि उन्हें नहीं मिला पंडित और उनके इस प्रोड्यूसर फ्रेंड ने उनकी हेल्प करी, वैसे ही ये खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए निकल पड़ी दोस्तों। तो अगर आपको मेरी सारी खबरें अच्छी लगती है ये, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ताकि मैं आती रहूं और आप लोगों को अच्छी अच्छी पक्की पक्की सच्ची सच्ची खबरें सुनाती रहूं दोस्तों, क्योंकि आपके स्टार्स की लाइफ में क्या क्या चल रहा है ये मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक मैं चलती हूँ दोस्तों, साइनिंग ऑफ।